फिर बोल था लेकिन 24,000 कुछ रुपया अपन फाइन लगा दिया। 24,000 हाँ, उसमें भी ऊपर से केस ठोक दिया। केस भी 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? सब ठीक है, कुछ सब ठीक है। फिर क्या समस्या है? समस्या बहुत कुछ है, गरीब के लिए बहुत कुछ है। बिजली बोल रहे थे, बिजली हम लोग विधवा में चला गया है जमीन ठोक, फिर बोला कि फिर जला देंगे इस एरिया में। कौन बोला था? जो बिजली पैदा कर रहा है वो बोला था। अभी मिल रहा है कि नहीं? कहाँ दे रहा है बिजली, तो पैसा तो ले रहा है वो। कहीं सुनने में आ रहा है कि 2,000 बिजली बिल आ जाता है, आपका भी आएगा कभी? नहीं, हम जलेबी नहीं करते। जलेबी नहीं करते? फिर क्या जलाते हैं? मिट्टी तेल। अभी भी मिट्टी तेल? देखिए, एक चीज जानने को मिला है। पैसा बाबा जो पकड़ा गया तो फिर बोल था लेकिन 24,000 कुछ रुपया अपन फाइन लगा दिया। 24,000 हाँ, उसमें भी ऊपर से केस ठोक दिया। केस भी ठोक दिया? कनेक्शन नहीं लिए थे? नहीं, बिना कनेक्शन के जलाइएगा तो केस नहीं ठोकेगा और फाइन? हाँ, तो केस ठोक दिया है, लेकिन फिर बोल था ना कि नहीं फिर देंगे। तो कनेक्शन उसके लिए लेना पड़ेगा ना? ठीक है, लेकिन आवर जो मांग किया हुआ है कंज्यूमर बनने के लिए 7,000 रुपये मांग रहा था। 7,000 रुपये में तो हमारा लगता है कि अपना पीढ़ी खत्म हो जाएगा मिट्टी तेल जला के या मोमबत्ती जला। नहीं बोला कि बिजली विभाग बोलेगा कि कंज्यूमर बनेगा तो 7,000 लगेगा। 7,000 लगेगा? हाँ। तो नहीं मिलेगा कनेक्शन? नहीं, कनेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, हम तो मोमबत्ती जलाते हैं, मिट्टी तेल जलाते हैं। मोमबत्ती और मिट्टी तेल जला के यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, क्योंकि बिजली बिल अगर कनेक्शन लेने चाहते हैं तो 7,000 रुपये मांगा जाता है, और इन लोग पे फाइन भी ठोक चुका है 25-24,000 का, और केस भी हो गया है, क्योंकि ये सरकार ने बोला है कि बिजली बिल फ्री रहेगा, बिजली का बिल नहीं लेगा, इसी के आस में ये फ्री जला रहे थे, और अब इन पर केस भी हो चुका है और फाइन भी लग चुका है। ये देख रहे हैं बयान गाँव से, आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।